क्वीन एलिजाबेथ दो 1961 में पहली बार भारत आए, रामलीला मैदान में दिया था भाषण। यादगार बन गई थी महारानी की वह पहली भारत यात। फाइल फोटो। महारानी के पति प्रिंस फिलिप ने 27 जनवरी 1959 को IIT दिल्ली की रखी थी आधारशिला। विवेक शुक्ला। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु से सच में एक युग का अंत हो गया, यह सच्चाई है। दुनिया भर की कई पीढ़ियों ने उन्हें ब्रिटेन की महारानी के रूप में देखा, सबने उनके प्रति एक आदर का भाव रखा। महारानी एलिजाबेथ पहली बार अपने पति ड्यूक ऑफ एडिनर प्रिंस फिलिप के साथ 1991 में भारत आई थी। उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निमंत्रण दिया था। उस यात्रा के समय उनके सम्मान में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। प्रिंस फिलिप 2 साल पहले 1959 में भी दिल्ली आए थे, उन्होंने तब IIT दिल्ली की आधारशिला रखी थी। महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप 1983 भारत आए थे, वह अंतिम यात्रा थी और 1997 में भी उनकी भारत की महारानी एलिजाबेथ के पहले भारत दौरे का पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम 21 जनवरी 1961 को रामलीला मैदान में हुआ था। उस दिन राजधानी में कड़ाके की सर्दी थी, इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग रामलीला मैदान आए थे। यूपी और पंजाब के ग्रामीण इलाकों से भी हजारों लोग महारानी का भाषण सुनने आए थे। तब हरियाणा देश के मानचित्र में नहीं था, महारानी के कार्यक्रम के लिए ही तब रामलीला मैदान एक स्थायी चबूतरे का निर्माण हुआ था। उनके अंग्रेजी में दिए जा रहे भाषण का हिंदी में अनुवाद हुआ था। मैं क्वीन एलिजाबेथ -11-26 जनवरी 1961 की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी। पंडित नेहरू ने किया था स्वागत, के बाद वह लोगों से मिली थी। उस दौर में राजा और प्रजा के बीच की थी। यहाँ पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर भी आई हैं। बहुत दूरियां नहीं होती थी, सुरक्षा के नाम पर जनता को धक्के भी नहीं खाने पड़ते थे। प्रिंस फिलिप IIT दिल्ली में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप का भी भारत से करीबी संबंध रहा। उन्होंने 27 जनवरी 1959 को IIT दिल्ली की आधारशिला रखी थी। उनका कुछ समय पहले निधन हो गया था, वह 99 वर्ष के थे। IIT की आधारशिला रखते हुए प्रिंस फिलिप ने उम्मीद जताई थी कि यहाँ से आगे चलकर भारत और दुनिया को श्रेष्ठतम इंजीनियर मिलेंगे। उनकी सदुइच्छा सच साबित हुई। प्रिंस फिलिप के स्वागत में केंद्रीय मंत्री हुमायूं कबीर, IIT के डिजाइनर प्रो जे सी चौधरी वगैरह मौजूद थे। IIT दिल्ली बिरादरी के प्रत्येक सदस्य के मन में प्रिंस फिलिप को लेकर एक आदर और कृतज्ञता का भाव रहता है। IIT में कुछ कक्षाएं 1961 से चालू हो गई थी, हालांकि इसका विस्तार होता रहा। गणतंत्र दिवस परेड में की शिरकत। महारानी उस दौरे के दौरान गणतंत्र दिवस परेड और फिर बीटिंग रिट्रीट में भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नेहरू ने सेना मुख्यालय में मिलिट्री म्यूजिक विभाग के प्रमुख G.A. रॉबर्ट्स को निर्देश दिए थे कि वे महारानी भव्य बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तैयारी करें। रॉबर्ट्स ने भी पंडित नेहरू को निराश नहीं किया और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को शानदार तरीके से कोरियोग्राफ किया। महारानी एलिजाबेथ बरार स्क्वायर पर दिल्ली वॉर सेमेट्री भी गई थी। वहां पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं की सैकड़ों कब्रें हैं। महारानी ने उस यात्रा के दौरान वार सेमेट्री में जाकर दूसरे विश्व युद्ध के योद्धाओं को खिराज अकीदत भी पेश